हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्री और ऑर्डर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस विद एग्जांपल। तो आइए शुरू करते हैं। डिक्री जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है सीपीसी में। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया वह जजमेंट जिसमें पार्टीज के राइट को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन किया गया हो, और ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में होती है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए ए एंड बी दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में एक हाउस को लेके डिस्प्यूट यानी झगड़ा चल रहा है। तो उन दोनों ने वो केस जाके अपील किया कोर्ट में, और ए एंड बी जो है वो लड़ रहे हैं। ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जब जज जो है वो डिसीज़न देंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ए का है या बी का है, किसी के नाम पे भी सपोज़ कीजिए जज ने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ए की है, तो जज ने ये एक डिसीज़न दिया तो इसे हम डिक्री कह सकते हैं। ये क्या हुई? डिक्री हो गई कि जज ने डिसीज़न दिया, और ये डिसीज़न क्या कहलाएगा? डिक्री। और अब ऑर्डर के केस में क्या होगा? ऑर्डर के केस में ये होगा कि जज ने कहा कि ये केस सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उस प्रॉपर्टी पर ताला लगा रहेगा, उसमें ना तो ए रहेगा ना बी रहेगा। तो ये हुआ एक ऑर्डर की जज ने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में डिफाइन है हमारे सीपीसी में, और ऑर्डर जो है वो बहुत सारे जज भी दे सकते हैं किसी भी केस में। सपोज पहला ऑर्डर ये दे दिया कि घर पर ताला रहेगा जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, और जैसे दूसरा ऑर्डर ये दे दिया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता जब तक ए और बी दोनों में से कोई भी उस घर में नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? ऑर्डर। डिक्री क्या हुआ? डिक्री हुआ जज का डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोई भी मैटर ऑफ सूट मीन्स पार्टीज ने वहां पे कॉज ऑफ एक्शन डाले हैं, तो वहाँ पे जो जज एक फॉर्मल एक्सप्रेशन जो देता है, एक्सप्रेस करता है उनके राइट्स, इसे हम डिक्री कहते हैं। और ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ही है, बट ये डिक्री नहीं है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल की हेल्प से समझाया था। और जो डिक्री है वो सिर्फ प्लेंटिफ ने एक केस को प्लेंट किया है उसी टाइम पे डिक्री दी जा सकती है, मीन्स उसी केस में डिक्री जो है वो दी जा सकती है। और ऑर्डर में जो है वो प्लेंट एप्लीकेशन पिटीएशन किसी में भी डिक्री दी जा सकती है ऑर्डर के केस में। तो अब जो डिक्री है वो किसी भी पार्टी के सब्सटेंटिव लीगल राइट को लेके डील करती है। जो डिक्री है वो किसी भी पार्टी के सब्सटेंटिव लीगल राइट को लेके डील करती है, और जो ऑर्डर है वो पार्टी के प्रोसीजर लीगल राइट को लेकर डील करता है। ठीक है, डिक्री तो क्या करती है? सब्सटेंटिव लीगल राइट्स को डील करती है, और जो ऑर्डर है वो प्रोसीजर लीगल राइट को डील करता है। और जो कोई भी केस होगा उसमें डिसीजन एक ही बार दिया जाता है, और ऑर्डर में जो है क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ऑर्डर के केस में बहुत सारे ऑर्डर जो हैं दिए जा सकते हैं। और डिक्री का टाइप कैसा होगा? प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली और फाइनल, इतने तरह की डिक्री जो है वो हो सकती है। और ऑर्डर में सिर्फ हमेशा फाइनल ही डिक्री होती है, फाइनल ही होता है। इट मीन्स इट रिमेन्स ऑलवेज फाइनल। अपील, अब अपील कैसे होगी? एवरी डिक्री इज अप्लीएबल अनलेस एन अपील इज बार्ड। जितने भी डिक्री मिलेंगे वो दूसरे कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं जब तक कोई डिक्री स्पेसिफाइड ना हो कि वो बार्ड है। वो अपील नहीं किया जा सकता जब तक हर डिक्री अपील किया जा सकता है, एंड ऑर्डर जो है उसमें एक ऑर्डर जो है उसमें एक बार जो ऑर्डर आ गया वो मानना पड़ेगा। डिक्री में क्या पढ़ा हमने कि जितने भी डिक्री मिलेंगे वो दूसरे कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं जब तक कोई डिक्री स्पेसिफाई ना हो कि वो बार्ड है, और अपील नहीं किया जा सकता जब तक हर डिक्री अपील किया जा सकता है। और ऑर्डर में क्या पढ़ा कि उसमें एक बार जो ऑर्डर आ गया वो ऑर्डर जो है वो मानना पड़ेगा। तो गाइस, ये था एक बेसिक डिफरेंस डिक्री और ऑर्डर के बीच में। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।